सर, आपका नाम क्या? अनुभव। कहाँ से हो आप? मैं वैसे रहने वाला हूँ हरदोई डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन तैयारी मैं दिल्ली से कर रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली में रहकर तैयारी। हाँ, बाकी UPPCS का लास्ट डे है, लास्ट एग्ज़ाम था, है ना, ऑप्शनल पेपर कैसा रहा आपका? पेपर तो ठीक हुआ है यार, बाकी जो ऑप्शनल वगैरह ठीक हुए हैं, GS के पेपर भी अच्छे हुए हैं, लेकिन जो पहला पेपर है वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, क्योंकि उसमें यूपी स्पेशल कुछ ज़्यादा ही उसने पूछ दिया है, तो इस बार तैयारी करने के दौरान यूपी स्पेशल पे थोड़ा सा कम नज़र रखी थी, इस कारण से थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है वो बस। बताएंगे ऑप्शनल क्या आपका? ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री है, इतिहास। तो हिस्ट्री आपने क्यों चूज़ किया? या इतिहास मैंने चूज़ करने के पीछे ये था कि जैसे जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो शुरुआती स्तर पे मैंने इतिहास का अध्ययन शुरू किया था। अच्छा। तो उससे इंटरेस्ट मेरा इतिहास में शुरू से ही बन गया था, और वहाँ से मेरा मतलब जो इंटरेस्ट बना इतिहास की तरफ, तो मैंने इतिहास की तरफ अपने आप को शिफ्ट भी कर लिया। ऑप्शनल मैंने शुरू से ही चूज़ कर लिया था। अच्छा। तो अदर सब्जेक्ट्स मैं पढ़ ही नहीं पाया था, उससे पहले मैं इतिहास चूज कर चुका था, लेकिन धीरे धीरे करके उसमें इंटरेस्ट भी मेरा बन गया, तो मुझे वो सब्जेक्ट भी अच्छा लगा, उसकी कहानियाँ कथा और उससे रिलेट करके कैसे हम करंट में चीज़ों को देखते हैं, वो सब चीज़ें ऐसी हैं ना जो मज़ा आता है पढ़ने में इतिहास को, इसलिए मैंने फिर इतिहास को चूज़ कर लिया। बाकी हिस्ट्री के लिए आपने कोई स्पेशल कहीं पे कोचिंग वगैरह ली थी, या फिर कैसे आपने प्रिपरेशन किया था? हाँ, इतिहास के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, ऑप्शनल के लिए रजनीश राज सर की कोचिंग थी, उनकी कोचिंग ज्वाइन की थी, उसके बाद मैंने फिर उनके नोट्स से पढ़े हैं और उसी से ही मैंने मतलब इस बार अटेम्प्ट लिया है। तो आप इस एग्ज़ाम के साथ साथ कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के भी प्रिपरेशन करते हैं? जी हाँ, मैं इसके साथ UPSC की प्रिपरेशन करता था, लेकिन फिर मैंने लास्ट ईयर भी दिया था, लास्ट ईयर मेरा फाइनली दो मार्क्स से रुका हुआ था प्रीलिम्स, तो मैंने फिर इस बार फोकस कम्प्लीटली मैंने UPPCS को ही कर दिया था, जिससे मतलब ये रहा कि UPSC और UPPCS दोनों एकदम अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं, तो एक साथ लेकर के चलने पे क्या हो रहा है, मुझे पिछली बार रिजल्ट मेरा ख़राब भी हुआ था, इस कारण इस बार मैंने कंप्लीट फोकस किया था इसी एग्ज़ाम पे, और इसका रिजल्ट भी मिलता है, अगर आप एक सिंगल टारगेट एक रखते हैं ना तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। बाकी UPPCS में आपका कौन सा अटैम्प्ट था? UPPCS में मेरा ये तीसरा अटैम्प्ट था। UPSC में? UPSC के लिए मैंने अभी एक अटैम्प्ट लिया है, उसके बाद अटैम्प्ट नहीं, लास्ट ईयर मैंने अटैम्प्ट नहीं लिया था ना, उसके लास्ट ईयर लिया था अटैम्प्ट। तो बात करें ओवरऑल एग्ज़ाम की, GS पेपर भी कंप्लीट हो चुका है, ऑप्शनल भी कंप्लीट हो चुका है, तो इस बार का आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन तो यही है यार, कोई भी एक्सपेक्ट करता है पेपर देखो तो पॉजिटिव ही रहता है, अब उसके बाद जो भी होगा, बाकी मैंने अपनी तरफ से तो अपना कंप्लीट 100% दे दिया है, आगे का रिजल्ट भगवान जाने। हाँ जी, तो इसमें अनसर्टेनिटी तो है ही, है ना, बहुत रहती है अनसर्टेनिटी इसको लेकर के, बिल्कुल 100% नहीं कह सकते कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, ऐसा तो बोल ही नहीं सकते हैं, अपना मैंने कंप्लीट दे दिया है बस इतना बोल सकते हैं। अभी आप क्या करोगे, इंटरव्यू कॉल के लिए वेट करोगे या फिर अगला प्रीलिम्स के लिए आप प्रिपरेशन करोगे? दोनों ही काम करेंगे, पढ़ाई भी जारी रखेंगे और वेट भी करेंगे रिजल्ट का, ऐसा कुछ नहीं के लिए भी साथ साथ प्रिपरेशन चलती रहेगी, इसके साथ चलती रहेगी। बाकी जो भी न्यू एस्पिरेंट्स है उनको आप क्या कहना चाहोगे, कैसे प्रिपरेशन करें वो, या फिर जो ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रिपरेशन करना? यार देखो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि मैंने जब इस बार अटेम्प्ट दिया है तो मुझे ये पता चला है कि अगर UPPCS की तैयारी करना चाहते हो तो UP को बिल्कुल मत छोड़ना, अगर तुमने UP छोड़ दिया ना तो फिर तुम्हारा बंटाधार हो जाएगा, क्योंकि इस बार से देखा गया है फर्स्ट पेपर में 50% लगभग क्वेश्चंस UP स्पेशल से आए हुए हैं, तो UP स्पेशल तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा अगर UP में सिलेक्ट होना है। UPSC बहुत से बच्चे ऐसे मिले जो UPSC का भी मेंस दे रहे हैं और यहाँ पर देने आए, लेकिन उनकी हालत भी बुरी हो गई क्योंकि उन्होंने UP स्पेसिफिक पढ़ाई नहीं की है, तो हालत ख़राब हो गई है, तो UP में अगर लगा था कि UPSC के साथ साथ ही हो जाए, UPSC में जो पढ़े हैं उन्हें, लेकिन फर्स्ट पेपर वही है कि अगर आपने UPSC पढ़ाई करके देने की सोची तो आपको फिर दिक्कत होने वाली है, तो इसलिए ज़रूर पढ़िए UP, तो ज़रूर पढ़िएगा UPPCS देने के लिए, यही मेरी एक सलाह है, बाकी और आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी करते ही रहिए, बाकी सारा का सारा नॉर्मल ही है, उसी बेस पे उसी पैटर्न पे आता है जिस पैटर्न पे UPSC का पेपर आता है, फर्स्ट और सेकंड में थोड़ा सा ऐसा है जिसमें UP स्पेशल ज़्यादा पूछा जा रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आप इंटरव्यू तक पहुँचे। बहुत धन्यवाद।